मैं यहाँ पर आ करके मैं कार में पूछ रहा था कि क्या बात करनी है, वहां पर टॉपिक क्या है। आते आते मैं समझ ही नहीं पाया कौन बगल में बैठा है, कैसे बैठा है। निदेशक जी से ही पूछ लिया कि ये आयुष होता क्या है। सौभाग्य दुर्भाग्य देखिए कि किसी संस्था का वाइस चांसलर अगर उसको आयुष न मालूम हो और शायद वो कॉलेज भी उसके अंडर में आता हो तो बहुत अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन यहां आकर के कुछ रिसर्च करने का मौका मिला मुझे इतनी देर में। बचपन में लोगों को प्रणाम करते थे, आशीर्वाद मिलता था आयुष्मान भव। समझ में नहीं आता था कि आयुष्मान भव क्या होता है। फिर गांव का रहने वाला था तो शुरुआती ट्रीटमेंट जो मिला, हाथ में चोट लगी, सदाबहार का पत्ता बांध लो, कोई दूसरा प्रॉब्लम हुआ, मदार की पत्ती जला करके लगा लो, तो प्राकृतिक तरीके से ही इलाज के जो साधन वहां पर उपलब्ध थे उन्हीं को प्रयोग करने का मौका मिला। हम लोग एलोपैथी के चक्कर में बाद में आए क्योंकि कोई आसपास गांव में डॉक्टर ही नहीं था। आज पढ़ाना चाहिए क्या हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। अभी लोक सेवा आयोग में मैं गया और चूंकि प्रदेश का डायरेक्टर हूं तो सुनने को भी मिला। जिस बोर्ड में मैं बैठा पहला प्रश्न था आयुष क्या है, आयुष आप बता दीजिए। अभी मैं यहाँ आया तो माननीय वाइस चांसलर साहब भी मुझसे यही कहे कि आयुष क्या है। छात्र यहाँ बैठे हैं, ये इंटरव्यू में जाते हैं, पीजी किए हैं, यूजी किए हैं, कोई कह रहा मैं रीडर हूँ, कोई प्रोफेसर रैंक का है, लेक्चरर है, लेकिन आयुष का एब्रीविएशन वहां बताने में 90% लोग गलत बताते हैं। ये गंभीर प्रश्न है। आप जिस प्रदेश में रहते हैं उसके आयुष मंत्री का नाम तक नहीं पता, धर्मपाल, धर्मदत्त, रामपाल और जय प्रताप, जाने क्या क्या संबोधन देते हैं। एक तो कोई कैंडिडेट बोल रहा था देव पूजा दी, तो मेंबर ने सोचा कि किसी मंदिर वंदिर के पुजारी का नाम ले रहे हैं तो कहे कौन से मंदिर के। तो ये हंसने की बात नहीं है। जब हम मंथन करें, मैं फिर वहीं पर आता हूं डॉक्टर द्विवेदी जी के अंत में कही बात से, 100% नहीं मैं 200% इस बात से सहमत हूं कि हम जो कॉलेज में शिक्षा देते हैं, जो हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस समय आज से 3 साल पहले हम प्रदेश में 24 पीजी स्कॉलर थे हमारे पास, 3 साल के अंदर हमने लगभग 75 कर दिए, गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूं। उन बच्चों का उपयोग क्या हम कर रहे हैं,